Hello students, let's start our science subject, chapter number 1, food and feeding habits of animals. So let's start with our lesson. As students of class 3, we have done the explanation of this chapter and we have done the exercise A till part 4. I think you all have done this in your notebook. Now we will start with point number 5. Which of the following animals has sharp and pointed front teeth? Sharp and pointed front teeth kiski hoti hai? Goat ki, lion ki ya cow ki? Of course lion ki hoti hai. Sharp and pointed front teeth kiski hoti hai? Tell me. Yes, correct. So students, हम आपको यहाँ पे आंसर्स भी शो कर देते हैं. पॉइंट नंबर 5 बी. ओके, सो आपको यहाँ से ये आंसर शीट में आपको अपलोड कर दे रही हूँ. आप इसको प्रॉपरली देख के सारे आंसर्स यहाँ से मैच करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं. ओके, सो क्या लिखेंगे इसका? लायन. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ? लायन. So, आपको इस पे टिक करना होगा. ओके, नाउ एक्सरसाइज बी. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स. अ फूड चेन ऑलवेज बिगिंस विद अ प्लांट. हमने पढ़ा है ना, क्योंकि खाना बनाता है प्लांट. नंबर 2, काउ इज अ डैश ईटिंग एनिमल. फ्लैश ईटिंग और प्लांट ईटिंग? प्लांट ईटिंग, वेरी गुड. हर्बीवोर है नहीं. नंबर 3, अ डैश सक्स ब्लड. मॉस्क्यूटो और फ्लाई? मॉस्क्यूटो. यस, मॉस्क्यूटो सक्स ब्लड. आपको मच्छर काटते हैं ना, मक्खियाँ थोड़ी काटती हैं, मच्छर काटते हैं. यस, तो मॉस्क्यूटो सक्स ब्लड. नंबर 4, फ्रॉग हैज अ स्टिकी फीट और टंग. टंग, वेरी गुड, टंग. नंबर 5, फूड गिव्स अस डैश टू वर्क एंड प्ले, एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. 6, डॉग्स आर डैश एनिमल्स. Dogs are pet animals. ठीक है, नाउ एक्सरसाइज सी. वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द क्वेश्चंस एंड यू हैव टू जस्ट सी द आंसर्स फ्रॉम द आंसर की. आई विल जस्ट प्रोवाइड यू द आंसर की ऑल्सो. नंबर 1, फॉर्म अ फूड चेन विद द फॉलोइंग टाइगर. फॉलोइंग टाइगर, प्लांट एंड डियर. इसमें सबसे पहले क्या होगा? प्लांट. प्लांट को कौन खाता है? डियर. डियर को कौन खाता है? टाइगर. तो ये आपका फूड चेन बन जाएगा, राइट? नंबर 2, नेम एन एनिमल दैट टेक्स इन लिक्विड फूड. कोई एक एनिमल का नाम बताइए जो लिक्विड फूड लेता है. तो हम किसका दे सकते हैं? डॉग का भी दे सकते हैं, कैट का भी दे सकते हैं, राइट? जो लैपिंग करते हैं ना, मिल्क को लैप करके पीते हैं ना. नंबर 3, नेम एनी 2 ओमनीवोर्स. दो ओमनीवोर्स एनिमल्स. ओमनीवोर्स कौन से होते हैं? जो प्लांट और फ्लैश दोनों खाते हैं. तो आप कुछ भी दे सकते हो. बेयर है ना, बेयर भी खाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, इंसान, या फिर क्रो. ये सारे ओमनीवोर्स हैं. नंबर 4, नेम अ हर्बीवोर. एक हर्बीवोर का नाम देना है जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स है. तो काउ दे सकते हैं आप, है ना. नंबर 5, कट च्यूइंग एनिमल. कट च्यूइंग एनिमल काउज होते हैं, है ना. तो आप काउ भी लिख सकते हो. नंबर 6, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉर अदर दैन स्क्विरल. स्क्विरल के अलावा नॉर का एग्जाम्पल देना है. नॉर के संग एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो रैबिट या कैट. ओके, नंबर 7, नेम एनी 2 एनिमल्स दैट कैरी लोड फॉर अस. कोई भी 2 एनिमल्स के नेम्स देने हैं जो लोड कैरी करते हैं हमारे लिए. हॉर्सेस, एलिफेंट्स, कोई भी नाम दे सकते हो आप. ठीक है, नाउ एक्सरसाइज डी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. नंबर 1, व्हाई डू वी नीड फूड. हमें फूड की जरूरत क्यों होती है? नंबर 2, हाउ डज अ फ्रॉग ईट इंसेक्ट. फ्रॉग इंसेक्ट कैसे खाता है? वो अपनी स्टिकी टंग को, लंबी सी स्टिकी टंग को अपने प्रे के पास थ्रो करता है और उसको जल्दी से खा लेता है. नंबर 3,
काजल हैज अ पेट कैट, काजल के एक पेट कैट है, शी फीड्स इट विथ मिल्क, उसको वो दूध पिलाती है रोज, बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले, एंड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम होम, फ्रॉम स्कूल, तो जब वो स्कूल से वापस आती है तो भी उसको दूध पिलाती है, और जब वो स्कूल जाती है तो भी उसको दूध पिला के जाती है. नेम वन एनिमल दैट लैप्स अप लिक्विड फूड अदर देन कैट. कैट के अलावा और कौन लिक्विड लैप करता है? डॉग. यस. नंबर बी, विच वैल्यू इज शोन बाय काजल. कैसा आपको यहाँ पे क्या लगता है काजल ने क्या शो किया, तो वो आपको यहाँ मेंशन करना है. एक्सरसाइज ई, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. व्हाट इज अ फूड चेन, गिव वन एग्जांपल. आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, प्लांट, डियर, टाइगर का भी दे सकते हो, और वहाँ पे आपके पिक्चर में बना हुआ है रैट, प्लांट, रैट, स्नेक और ईगल, उसका एग्जाम्पल भी दे सकते हो. तो फूड चेन की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, वो भी आप लिख सकते हो. What are curd chewing animals? Curd chewing animals भी हमने पढ़ा है, वो भी आप लिख सकते हो. इसके two examples भी दे सकते हो. So students, I'm providing you the answer key. Just note it down and complete the whole exercises in your notebook. आपको अपनी science की notebook में, अगर आपने exercise A copy में नहीं किया है तो let it be in the book itself. इसको बुक में ही रहने दीजिए स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ आप बुक से इसको रीड कर सकते हो प्रॉपरली, एंड इट विल ऑल्सो टेक टाइम ऑल्सो, सो डोंट डू इट इन योर कॉपी. राइट. नाउ आपको कॉपी में एक्सरसाइज सी, डी और ई करना है. ओके. बी भी आप बुक में ही रहने दो. यू हैव टू डू बी एक्सरसाइज इन योर बुक इटसेल्फ. यू हैव टू डू सी, डी एंड ई. जस्ट लुक एट द आंसर की ऑफ दिस चैप्टर. Exercise C, D and E. You will have to do this in your FAIR notebook. Right? So, number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exercise D, 1, 2, 3. Exercise E, 1 and 2. Right? So, all the students, please do exercise C, D, E in your notebook and A, B in your book itself. That's all for today. Thank you.